नमस्कार दोस्तों, अभी आपको देखो जो लाइब्रेरियन का पेपर के आप सोल्व करा रहे थे, इसमें हमने देखा कि आपको ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन सोल्व करवाए गए हैं अभी 25 तक। अब उसके बाद में हमारे इसमें 25 क्वेश्चन शास्तान जीके से संबंधित हैं, जिसमें हिस्ट्री और कल्चर दोनों पार्ट शामिल हैं। तो इसमें एक एक क्वेश्चन का अपन उसके ऑप्शन वाइज उसके जो आपके उसका सही आंसर कौन सा है, ये सही आंसर क्यों है और इसका रीजन क्या है, ये सारी चीज समझते हुए अपन एक एक ऑप्शन क्लियर करेंगे। इसमें देखिए अपना 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। कर्नल जेम्स टोड को राजपुताना में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था, यानी इसमें कर्नल जेम्स टोड के बारे में पूछा गया है कि इसको राजपुताना में पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट जो उनको नियुक्त किया गया था वो कब किया गया है। इसमें चार ऑप्शन आपके दे रखे हैं, मेवाड़ एवं मारवाड़, मेवाड़ कोटा, कोटा एवं जयपुर, संपूर्ण राजपुताना। तो इसमें देखो हम देखते हैं तो आपको पता होगा कि 1818 से लेकर 1821 तक जो कर्नल जेम्स टोड, जैसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, ये राजपुताना में आता है। सबसे पहले इनको मेवाड़ का रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, सबसे पहले जब ये 1818 में आता है तो इसको मेवाड़ का रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद में इनको कोटा का रेजिडेंट भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस आधार पर अगर अपन देखेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा बी, मेवाड़ एवं कोटा। मेवाड़ एवं कोटा, मेवाड़ और कोटा दोनों का ही इसको पॉलिटिकल एजेंट या इसको रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है। लेकिन फिर अपन देखो आगे इसके अंदर पढ़ेंगे तो ये तो इस ऑप्शन के हिसाब से अपना जो आंसर है ये आंसर आपका बी हो जाएगा, लेकिन कहीं भी पुस्तक के अंदर आप पढ़ेंगे तो कुछ समय के लिए इसको मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किया गया था। ये केवल उसको कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है। अतः अगर ऑप्शंस के अंदर आपका कोटा ना हो और कोटा के स्थान पर मेवाड़ और मारवाड़ ऑप्शन हो तो मेवाड़ और मारवाड़ ऑप्शन भी सही माना जाएगा। आगे बात समझ के अंदर, तो इस मुद्दे को दो चीजें अपन को ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, मेवाड़ एवं मारवाड़, मेवाड़ एवं कोटा। अब इसमें मेवाड़ एवं कोटा दोनों दे रखा है तो हमें मालूम है कि पहले इसको मेवाड़ का और मेवाड़ के बाद में इसको कोटा का रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। तो इसके हिसाब से अपना ये आंसर सही होगा, किंतु तो अगर ये नहीं होता तब ऐसी स्थिति में हमें आंसर करना होता है इसका मेवाड़ एवं मारवाड़। ये तो अपना 25-26 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों इसके आगे देखो दूसरा जो अपना क्वेश्चन है 26-27 नंबर का, इस 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अर्जुनायन जनपद में शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं। जो अर्जुनायन जनपद है इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में देखो आपको बता देता हूँ। आपको मालूम होगा कि हमारे पूरे भारत के अंदर ही और भारत में स्पेशली जो राजपुताना है, इस राजपुताना के अंदर सिकंदर महान के आक्रमण के बाद, जब सिकंदर महान का आक्रमण होता है तो सिकंदर महान के आक्रमण के बाद यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और करीब 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का जो राजपुताना का इतिहास है, इस इतिहास को हमने जनपद काल कहा। इस इतिहास को कहा जाता है जनपद काल, और इस जनपद काल में हमारे कई जनपदों की स्थापना हुई, जिनमें से अधिकांश जो जनपदों की स्थापना होती है ये हमारे राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर ही होती है। यानी ज्यादातर हमारे जो भी जनपद हैं उनमें आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान का भाग ही इसके अंदर शामिल था, जिसमें पूर्वी राजस्थान का पूर्वी भाग अपन कर सकते हैं। इसी में आपका जैसे आज का कुछ मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का भाग और जो नई दिल्ली है, अभी दिल्ली है, इसके भाग को भी अपन जनपद काल के अंदर शामिल करते हैं। अब यहाँ से इस ऑप्शन के हिसाब से अपन देखें कि अर्जुनायन जनपद में शामिल क्षेत्र हैं, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है करौली धौलपुर सवाई माधोपुर, दूसरा में दे रखा है अलवर दौसा जयपुर, तीसरे में मथुरा भरतपुर और अलवर, चौथे में दे रखा है जयपुर टोंक और अलवर। अब इनमें से सही आंसर तक हमें पहुंचने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र कौन से जनपद के अंदर है। तो इसमें देखो अपन एक एक आंसर देखते हैं, जैसे बीच क्षेत्र की मैं आपको बताऊं इसमें अलवर दौसा और जयपुर दे रखा है। तो दोस्तों आपने सुना होगा कि अलवर जिसको पहले हम मत्स्य प्रदेश के नाम से भी जानते थे, तो यहाँ पर मत्स्य जनपद शामिल था। ये कौन से जनपद में शामिल था, ये मत्स्य जनपद में शामिल था, इसलिए ये अपना आंसर नहीं हो सकता।
दूसरा इसमें दे रखा है मथुरा। तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था, यानी सूर जनपद से था। और इस सूर जनपद की बात करें तो इस सूर जनपद की जो राजधानी थी, ये राजधानी बनाई गई थी मथुरा को। राजधानी किसको बनाई गई थी? मथुरा को। तो ऑब्वियसली ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तीसरी अपन बात करते हैं जयपुर, टोंक और अलवर। तो उस वक्त अलवर के साथ साथ जयपुर का अधिकांश भाग भी मत्स्य जनपद का ही एक भाग था। तो इस प्रकार से देखो, इन ऑप्शंस में अपन देखेंगे तो ए ऑप्शन जिसमें करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, इन तीनों क्षेत्रों का ही अधिकांश भाग जो शामिल था, ये अर्जुनायन जनपद कहलाता था। तो अपने इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ए आंसर। ओके, इसके बाद में देखिए अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें दे रखा है आघातपुर का संबंध है, आघातपुर का संबंध है। और इसमें ऑप्शन दे रखा है सीकर, उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद। तो देखो इसको जब अपन समझेंगे कि आघातपुर का संबंध किससे है, तो हमें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आघातपुर है क्या। पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि साहब ये आघातपुर है क्या। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब अपन सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं तो एक सभ्यता आती है हमारे आहड़ सभ्यता, एक सभ्यता अपन पढ़ते हैं आहड़ सभ्यता। इसी आहड़ सभ्यता जो अपने वर्तमान उदयपुर जिले के अंदर, जो उदयपुर जिले है, इसी उदयपुर जिले से लगभग 2 किलोमीटर दूर आहड़ का जो टीला है, इस आहड़ के टीले के अंदर इस सभ्यता की खोज हुई है। और इस जो ये स्थान है, इस स्थान में एक टीला जिसको बोला गया है धूलकोट, इसीलिए अपन देखो इस सभ्यता को धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं। इसी को आघाटगढ़ भी कहा जाता है और इसी को हम आघाटपुर भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन यही था कि सब आघाटपुर का संबंध किससे है। तो डियर देखिए इसमें आघाटपुर का संबंध देखेंगे तो इसमें ऑप्शन क्या आ रहा है? उदयपुर। हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ी है कि आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले, जो उदयपुर का मूल केंद्र है, वहां से 2 किलोमीटर दूर आहड़ नामक क्षेत्र के अंदर स्थित है। और इसी आहड़ को अपन किस नाम से पुकारते हैं? आघातपुर के नाम से जानते हैं। इसलिए इसके अंदर अपना सीधा सा जो आंसर होगा वो बी होगा, उदयपुर। ठीक है, बाकी स्थान देखो अपन देर कस्मे, सीकर, चित्तौड़ और राजसमंद। तो आपको मालूम होगा कि जो सीकर है, सीकर से तो हमारी जो कांतली नदी के पास में गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ, इस सभ्यता के बारे में है। चित्तौड़गढ़ के अंदर बात करें तो यहाँ पर नगरी जो मध्यमिका के नाम से प्रसिद्ध थी, जनपद काल का, वो प्रमुख केंद्रीय है। और राजसमंद के अंदर अगर बात करते हैं तो राजसमंद के अंदर भी अपन को गिलुंड जैसा जो क्षेत्र है, ये गिलुंड जो कि आहड़ सभ्यता के ही समकालीन है, उस सभ्यता का विकास वर्तमान राजसमंद के अंदर हुआ था। तो इसमें अपना जो आंसर होगा ये हो जाएगा उदयपुर, 28 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन अपन देखेंगे आहाड़ सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन सी है। यही क्वेश्चन है कि साहब आहाड़ के समकालीन सभ्यता कौन सी है। तो अभी देखो हमने चर्चा की थी और मैंने क्वेश्चन नंबर 28 में बताया था कि राजसमंद के अंदर एक सभ्यता हमें प्राप्त हुई है जिसको अपन बोलते हैं गिलुंड सभ्यता। क्या तो बोलते हैं अपन इसको? गिलुंड सभ्यता। और ये सभ्यता भी बनास नदी के संगम पर, यानी बनास नदी का जो किनारा है, इस बनास नदी के किनारे ही गिलोन सभ्यता विकसित हुई है। इस सभ्यता का काल आहड़ सभ्यता के समकालीन ही माना गया है। इसका जो काल माना गया है, ये आहड़ सभ्यता के समकालीन ही माना गया है। तो अपन कह सकते हैं कि सब आहड़ सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में अगर ऑप्शन अपन को चुना जाए तो ये रहेगा गिलोन सभ्यता, जो कि बनास नदी के किनारे ही विकसित हुई है। आहड़ सभ्यता भी बनास नदी का ही एक भाग के किनारे विकसित मानी जाती है, जो कि बेडस नदी के किनारे विकसित हुई है। क्लियर चीजें। इसके बाद में देखो इसमें जैसे दूसरा ऑप्शन और दे रखा था कि अपन कैसे पहचाने कि साहब इसमें इसके समकालीन कौन सी है, तो इसमें बागोर और गणेश्वर और सुनारी दे रखा है। तो देखो बागोर जो सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर है, इस सभ्यता की अगर अपन बात करते हैं तो इसका संबंध पाषाण काल से है। हमें पूरे भारत के अंदर सर्वप्रथम पशुपालन और कृषि दोनों कार्य एक साथ करने का अगर कहीं एग्जाम्पल मिला है या कोई साक्ष्य मिला है तो ये मिला है बागोर सभ्यता के अंदर। इसी प्रकार से देखो अपन गणेश्वर की बात करें तो सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। शुद्ध रूप से तांबे के जो उपकरण बने हुए हमें प्राप्त हुए हैं
वो गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। जबकि डी ऑप्शन में है सुनारी, सुनारी जो कि झुंझुनू के अंदर है, और सुनारी का जो संबंध है ये लौह युगीन सभ्यता से है, इसका जो संबंध है ये लौह युगीन सभ्यता से है। तो अगर अपन क्षेत्र विशेष के आधार पर भी बात करें तो इस आर्य सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता होगी ये होगी आपकी गिलोंड सभ्यता। क्लियर चीजें। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों दे रखा है कि सुमेलित नहीं है, इनमें से हमें यह सिलेक्ट करना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। आपका एक इसमें कंटेंट दे रखा है और आगे उससे संबंधित लिंक दे रखा है। जैसे हमने कर रखा है इसमें लोहे का प्याला, अब लोहे का प्याला कहां से प्राप्त हुआ है, जैसे इसमें दे रखा है बागोर, मछली पकड़ने का तांबा का कांटा, गणेश्वर, बनासियन बुल, धूलकोट, मलेरिया के साक्ष से काले बंगा। तो देखो जब हम इन सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं तो सभ्यताओं के अध्ययन करने में अपने एक चीज पढ़ते हैं कि सुनारी एकमात्र ऐसी सभ्यता है, सुनारी एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो लौह युगीन सभ्यता तो है ही है, लेकिन लौह युगीन सभ्यताओं में एकमात्र सुनारी जो झुंझुनू के अंदर है इसी स्थान से लोहे का एक प्याला प्राप्त हुआ है। लोहे का प्याला बोल दीजिए आप इसको या कटोरा बोल दीजिए, बात एक ही है। तो लोहे का प्याला या कटोरा जो हमें प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है झुंझुनू के सुनारी नामक सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो सुमेलित नहीं है। अगर इस चीज को अपन देखते हैं तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही हमारे को नजर आता है कि लोहे का प्याला बागोर में नहीं, ये कहां पर था, ये सुनारी के अंदर। तो ये ऑप्शन का अपना आंसर सही है, क्योंकि बागोर की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि बागोर सभ्यता जो है इसका पाषाण काल से संबंधित है और यहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरी देखो मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर की अपन बात करें जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है, और जो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी है ये गणेश्वर सभ्यता, इस सभ्यता से हमें 99% शुद्ध तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इनमें से हमें एक मछली पकड़ने का एक जो कांटा है वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। ऐसे देखिए धूलकोट सभ्यता, धूलकोट की अपन बात करें तो अभी से संबंधित अपने क्वेश्चन में पढ़ा था आघातपुर, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 28, 28 का लिंक यहीं से है कि धूलकोट बोल दीजिए, चाहे आप इसको आघाटपुर बोल दिए या आप इसको आघाटकट बोल दीजिए या पर आहड़ खे दीजिए, बात एक ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ से हमें एक मिट्टी का बुल प्राप्त हुआ है, और मिट्टी का जो बुल प्राप्त हुआ है, बैल की आकृति प्राप्त हुई है, उसी को बोला गया है बनासियन बुल। क्या बोला गया इसको, बनासियन बुल। तो सीधी सी बात है ये ऑप्शन भी अपने आप में सही है, और मलेरिया के साक्ष्य यानी जो नर कंकाल कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, उन नर कंकालों की जब खोपड़ी देखते हैं तो उन खोपड़ियों का अध्ययन करने पर पता चला है कि साहब ये मलेरिया रोग से ग्रसित थे। तो ये तीन तो देखिए अपने बिल्कुल सही हैं, बी सी और डी, और ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बागोर के स्थान पर सुनारी आना चाहिए था, तो यही अपना क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है गुर्जर प्रत्याहारों ने किन्हें हराकर भीनमाल पर अधिकार किया था, गुर्जर प्रत्याहारों ने किन्हें हराकर भीनमाल पर अधिकार किया था। ये तीन चार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, 2016 आरएस प्री के अंदर देखो सेम यही क्वेश्चन आया था, और इस क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे कि साहब गुर्जर प्रत्याहारों ने किन्हें हराकर भीनमाल पर अधिकार किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है डोडा राजपूत, तो अपन जब इतिहास पढ़ते हैं तब हमें मालूम है कि डोडा राजपूतों का संबंध तो गागरोन से रहा है, गागरोन दुर्ग का निर्माण डोडा राजपूतों ने ही किया था जिनके आगे चलकर चौहानों ने इसके ऊपर अधिकार कर लिया था, तो ये भी अपना नहीं हो सकता। दूसरा देखो परमारों की बात करें तो परमारों का जो मुख्य केंद्र रहा है ये रहा अपना इसके अंदर विशेष रूप से जो सिरोही का क्षेत्र है, चित्तौड़ का क्षेत्र है, इसके आसपास का जो इलाका है इस पर किसी जमाने के अंदर परमारों ने ही शासन किया था। इन परमारों का शासन भीनमाल पर भी था, लेकिन भीनमाल पर परमारों से भीनमाल को छीन लिया था चावड़ा राजपूतों ने, और इन चावड़ा राजपूतों को हराकर, तो चावड़ा राजपूत है इनको हराकर गुर्जर प्रतिहारों ने भीनमाल जालौर के ऊपर अधिकार कर लिया था। तो इसमें माय डियर अगर अपन सही आंसर चूज करेंगे तो ये आएगा चावड़ा राजपूत, यानी बी ऑप्शन अपना सही रहेगा।
परिहार की बात करें तो देखो, परिहारों का राजस्थान के अंदर वैसे ज्यादा विशेष कोई भूमिका नहीं थी। केवल अपन जब राठौड़ पढ़ते हैं तभी हम एक चीज पढ़ते हैं कि इन राठौड़ों को हमीर परिहार, जो हमीर परिहार था, ये हमीर परिहार इन राठौड़ों को, राठौड़ से पहले जो यहाँ पर इंदा प्रतिहारों की शाखा थी, इस इंदा प्रतिहारों को ये परेशान करता था। और इस इंदा प्रतिहारों को जब ये परेशान करता था हमीर परिहार, तो राठौड़ों की सहायता से और विशेष रूप से जो राव चुंडा है, इस राव चुंडा की सहायता से हमीर परिहार का दमन किया जाता है। इस कारण से इंदा प्रतिहारों ने, जो इंदा प्रतिहार थे, इन्होंने नाडोल जो कस्बा है, ये नाडोल कस्बा, सॉरी जो सॉरी नाडोल की अपने बात कर रहे हैं, जो अपने मंडोर कस्बा है, ये मंडोर कस्बा उन्होंने राठौड़ों को दहेज के अंदर दे दिया था। तो इसमें अपना जो पर्टिकुलर आंसर होगा, ये आंसर होगा चावड़ा राजपूत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है राजशेखर से संबंधित नहीं है, तो हमें ये पता होना चाहिए पहले कि साहब ये राजशेखर कौन है। तो देखो दोस्तों, राजशेखर की बात करें तो इस राजशेखर का संबंध गुर्जर प्रतिहार काल से ही है। इसका जो अपन काल देखेंगे तो ये गुर्जर प्रतिहार काल का ही है। और गुर्जर प्रतिहार काल में आप महिपाल पढ़ेंगे, महेंद्रपाल पढ़ेंगे, महिपाल फर्स्ट, महेंद्रपाल फर्स्ट, इन दोनों का ही गुरु, इन दोनों का ही गुरु और दरबारी विद्वान था ये राजशेखर। और इस राजशेखर ने उन्हीं के दरबार में रहते हुए कई ग्रंथ लिखे थे। इन ग्रंथों में अगर अपन देखते हैं तो देखो, इनमें जैसे ग्रंथों की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें से जो फर्स्ट ग्रंथ दे रखा है, इसमें भुवन कोश ऑब्वियसली इसी का लिखा हुआ है। दूसरा ग्रंथ दे रखा है कपूर मंजरी, कपूर मंजरी भी इसी का लिखा हुआ है। तीसरा देखो, इसमें वास्तु मंजरी, तो वास्तु मंजरी इसने नहीं लिखा, क्योंकि वास्तु मंजरी के बारे में हमने पढ़ा है कि राणा कुंभा, इस राणा कुंभा का एक दरबारी था मंडन, उसका प्रधान शिल्पकार, और इस मंडन का बाईता नाथा, इस नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। तो वास्तु मंजरी का जो रचयिता है ये राजशेखर ना होकर ये था नाथा, जो कि कुंभा के दरबारी, प्रधान शिल्पकार, मंडन का छोटा भाई था, और इसी छोटा भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। तो इसमें अपना जो आंसर आएगा ये वास्तु मंजरी ही आएगा। काव्य मीमांसा ग्रंथ जो है ये राजशेखर का ही लिखा हुआ है। काव्य मीमांसा ग्रंथ की बात करें, इसके अलावा इसमें देखो विदसाल मंजिका, जो विदसाल मंजिका ग्रंथ है, ये विदसाल मंजिका ग्रंथ भी दोस्तों इसने लिखा है। ऐसे इसका एक ग्रंथ आता है बाल भारत, तो बाल भारत की बात कर सकते हैं अपन, बाल रामायण की बात कर सकते हैं, बाल भारत और बाल रामायण, बाल रामायण, प्रचंड पांडव, प्रचंड पांडव, ये सारे जो ग्रंथ हैं इन सभी का संबंध राजशेखर से है, इन सभी का संबंध राजशेखर से है। तो हमारा आंसर जो 32 में होगा ये होगा वास्तु मंजरी, क्योंकि एकमात्र यही ग्रंथ ऐसा है जिसके रचयिता राजशेखर नहीं है, क्योंकि इसके रचयिता हैं नाथा। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इसके बाद में आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें एक विद्वान का नाम दे रखा है कि बी एन पाठक ने भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे बताया। तो बी एन पाठक था, इस बी एन पाठक ने भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे बताया है। तो दोस्तों, जब अपन इन गुर्जर प्रत्याहारों को पढ़ेंगे तो देखो, गुर्जर प्रत्याहारों में ये महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, मिहिर भोज और सवाई जयसिंह ये शासक हुए हैं। इनमें से महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम दोनों ही महान शासक थे। राजशेखर ने तो दोनों की प्रशंसा की है कि साहब दोनों अपने जमाने के महान शासक थे, लेकिन बी एन पाठक को जब अपन पढ़ते हैं तो बी एन पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम के बारे में लिखा है कि साहब ये भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट था। क्लियर चीजें, जबकि महिपाल प्रथम के बारे में अपन बात कर चुके। मिहिर भोज की बात करें, ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन शासक था, ये भी और अपने समय का एक महान शासक इसको माना जाता है। स्वाई जयसिंह प्रथम, स्वाई जयसिंह प्रथम जो कि जयपुर का शासक था, जयपुर के निर्माता भी इसी को मानते हैं अपन, स्वाई जयसिंह प्रथम को मानते हैं। और स्वाई जयसिंह प्रथम ये अंतिम हिंदू महान सम्राट वो था जिसने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था।
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाला अंतिम जो हिंदू सम्राट मानते हैं वो तो था स्वाई जय सिंह प्रथम। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में अपन देखेंगे कि बीएन पाठक ने भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे बताया है, तो इसमें अपना आंसर होगा महेंद्रपाल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का, देखिए 34 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें यही है कि मिहिर बोध से संबंधित तथ्य नहीं है, मिहिर बोध से संबंधित तथ्य नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको ये बताना है कि जो चार ऑप्शन है इसमें तीन का संबंध तो मिहिर बोध से है लेकिन एक ऑप्शन का संबंध मिहिर बोध से नहीं है। इसमें हमने पढ़ा कि एक के अंदर दे रखा है प्रभास, एक के अंदर दे रखा है प्रभास। तो देखो जब अपन मिहिर बोध को पढ़ते हैं तो एक अभिलेख पढ़ते हैं दौलतपुर अभिलेख, और इस दौलतपुर अभिलेख के अंदर मिहिर बोध की जो उपाधि बता रखी है ये बता रखी है प्रभास। दौलतपुर अभिलेख के अनुसार मिहिर बोध की उपाधि प्रभास बता रखी है, तो इसका संबंध तो इसी से है। दूसरा बी ऑप्शन में देखिए आप, बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है मदादि वराह है। तो आप मिहिर बोध के जो भी सिक्के हैं किसी भी सिक्के के ऊपर देखेंगे तो उस सिक्के के ऊपर उसने मदादि वराह ही लिखाया है, श्री मदादि वराह मिहिर बोध, श्री मदादि वराह मिहिर बोध। इससे ये आभास होता है कि मदादि वराह भी मिहिर बोध की एक उपाधि थी। तीसरा देखिए इसमें आदि वराह, आदि वराह। तो दोस्तों आदि वराह की अगर बात करते हैं तो इसके लिए अपन को ग्वालियर प्रशस्ति में जाना होगा, ये ग्वालियर प्रशस्ति के रचयिता भी मिहिर बोध ही है, और ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर जो प्रशस्ति है इस ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर मिहिर बोध को आदि वराह बताया गया है। तो ऑब्वियसली क्लियर है कि प्रभास, मदादि वराह और आदि वराह, यानी कि ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन तो मिहिर बोध से संबंधित हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन जो इसमें दे रखा है रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि। तो इस रघुकुल चूड़ामणि की अगर अपन बात करते हैं तो इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों का दरबारी, विशेषकर अपने बात कहते हैं महेंद्रपाल का और महीपाल का, तो महेंद्रपाल को राजशेखर ने रघुकुल चूड़ामणि की उपाधि दी थी। तो रघुकुल चूड़ामणि का संबंध महेंद्रपाल से है ना कि मिहिर बोध से, तो इसमें अपना जो सही आंसर होगा वो रहेगा रघुकुल चूड़ामणि। ओके क्लियर दोस्तों, आगे देखिए अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है कि अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया, जो अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक हमें मालूम है अगर किसी अभिलेखों के आधार पर अपन देखते हैं तो अंतिम गुर्जर प्रतिहार हमको मिलता है यशपाल, और इस यशपाल के बारे में ऐसा बताया गया है कि 1091 ईस्वी के अंदर, 1091 ईस्वी के अंदर चंद्र सिंह गहडवाल, ये चंद्र सिंह गहडवाल इसको हराता है, और चंद्र सिंह गहडवाल इसको हराकर जो कन्नौज है इस कन्नौज के ऊपर अपने एक नए साम्राज्य जिसको अपन गहडवाल वंश बोलते हैं, गहडवाल वंश के साम्राज्य की स्थापना करता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए आप कि अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक यशपाल को हराकर कन्नौज पर अधिकार करने वाला व्यक्ति, तो इसमें देर का चालुक्य, चंदेल, गहडवालों ने और परमारों ने। तो इस संदर्भ के अनुसार अगर अपन देखते हैं तो सीधा सा क्लियर है कि 1091 में चंद्र सिंह गढ़वाल ने उसको हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अपना सी गहडवालों ने, जो उसका ऑप्शन होगा अपना ये रहेगा अपना सी गहडवालों ने। इसके आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, चौहान शासक जिसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से शाकंभरी को मुक्त कराया, तो हमें मालूम होगा, हमें मालूम है कि गुर्जर प्रतिहार अपने काल के अंदर उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। यही कारण है कि इन उत्तरी भारत में इनके शक्तिशाली होने के कारण से, शक्तिशाली होने के कारण से मोहम्मद बिन कासिम जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं कि साहब ये प्रथम अरबी मुसलमान था जिसने 712 ईस्वी के अंदर भारत के ऊपर आक्रमण किया और सिंध के शासक दाहिर को हराकर जजिया कर वसूल करता है,
इसके आक्रमण के बाद करीब 300 वर्षों तक भारत पर कोई भी विदेशी आक्रमण सफल नहीं हुआ, और 300 वर्ष तक विदेशी आक्रमण सफल नहीं होने का मुख्य कारण था उत्तरी भारत के अंदर गुर्जर प्रतिहारों का शक्तिशाली होना। उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहारों के शक्तिशाली होने के कारण से ही 300 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। तो उस समय के अंदर जो ये पीरियड था, इस पीरियड के अंदर राजपुताना के जितने भी राजवंश थे, चाहे आप गोहिलों की बात कर लीजिए, चाहे चौहानों की बात कर लीजिए, तो ये गोहिल, चौहान, राठौड़, ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और उनका सामंत, जैसे अपन पढ़ते हैं नागभट्ट प्रथम और द्वितीय कि उसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहते हैं, और नागावलोक का दरबार में शामिल होना उस जमाने के शासकों के लिए एक गर्व की बात थी। तो ऐसे ही ये चौहान भी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। लेकिन इन्हीं चौहानों में से विग्रहराज द्वितीय, जो विग्रहराज द्वितीय था, एक किसी में देखो अपन कई किताब में आपको बताया गया है गोविंदराज प्रथम, गोविंदराज प्रथम बताया गया है, जिसको गुवक प्रथम भी कहते हैं। इस गुवक प्रथम ने शाकंभरी के चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया। लेकिन अभी अपने ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो इसमें दे रखा है विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय। तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग और इनका कालक्रम अगर अपन देखते हैं तो इस कालक्रम के अंदर सही आंसर जो हमारा आता है ये आता है विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर कहीं भी हमको गोक प्रथम और गोविंद प्रथम मिलता है तो ये इसका सही आंसर होगा। इसकी अनुपस्थिति के अंदर ही इसके बाद का जो शासक बनता है इसी को अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इनमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हम विग्रहराज द्वितीय को इसमें सही मानेंगे। आगे देखिए चौहानों का पितृहंता कौन था। दोस्तों पितृहंता कहा जाता है पिता की हत्या करने वाला। आपको मालूम होगा कि प्राचीन काल के अंदर या किसी भी समय देख लीजिए, शासन प्राप्त करने के लिए अगर किसी पुत्र ने अपने पिता की हत्या कर दी तो ऐसे पुत्र को पितृहंता कहा जाता था। और ये पितृहंता हर जगह आपको मिलेगा, चाहे अपन जैसे राठौड़ों की बात करें तो राठौड़ों के अंदर हमको मालूम है कि राव गंगा के पुत्र मालदेव ने उनकी हत्या कर दी थी। राव गंगा का पुत्र मालदेव, उसने उनकी हत्या कर दी और वहां पर पितृहंता कहलाया। ठीक इसी प्रकार से इन चौहानों की अगर बात करें तो चौहानों में भी देखो जो अर्णोराज थे, इस अर्णोराज का बेटा था जगदेव, और इस जगदेव ने 1147 ईस्वी के अंदर अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी, और अर्णोराज की हत्या करके ये स्वयं शासक बने जाता है। तो अपन सीधा सा इसमें कह सकते हैं कि चौहानों का जो पितृहंता था ये थे जगदेव चौहान, जगदेव चौहान, जिन्होंने अपने पिता अर्णोराज की हत्या की और उनके स्थान पर राजा बना। लेकिन ये ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाता है, जगदेव चौहान की हत्या करके इसी के भ्राता श्री विग्रहराज चतुर्थ राजा बन जाते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर अपना 37। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है कि शिहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए मोहम्मद गोरी के बारे में आपने खूब पढ़ा है। ये मोहम्मद गोरी जो गजनी और गोर प्रदेश का शासक था, इस मोहम्मद गोरी का ही वास्तविक नाम शिहाबुद्दीन गोरी था। ये शिहाबुद्दीन गोरी और कोई न होकर मोहम्मद गोरी का ही नाम है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय, जो मोहम्मद गोरी है इसके आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासक कौन था। तो ऑप्शन में देखो देखें तो इसमें दे रखा है पृथ्वीराज चौहान, अनंतपाल तोमर, विग्रहराज चतुर्थ और जयचंद गढ़वाल। इनमें से एक एक ऑप्शन को देखो अपन ऑप्शन वाइज अगर क्लियर करते हैं तो हमें पता है कि डी ऑप्शन जो जयचंद गढ़वाल दे रखा है ये कन्नौज के शासक थे तो इनका यहाँ से कोई मतलब नहीं है। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ 1153 से लेकर 1163 तक शासक रहता है, जबकि मोहम्मद गोरी जब आक्रमण होता है तो इसका आक्रमण ही भारत में पहली बार 1175 में करता है। लेकिन दिल्ली के ऊपर आक्रमण की बात करें तो ये 1191 और 1192 के अंदर है। तो ये क्वेश्चन अपना आंसर हो नहीं सकता, इसलिए विग्रहराज चतुर्थ भी नहीं है। अनंतपाल तोमर की बात करें तो अनंतपाल तोमर की अगर बात करते हैं ऑब्वियसली दिल्ली के ऊपर शासन इन्हीं का था, लेकिन ये शासक थे विग्रहराज चतुर्थ के समय,
विग्रहराज चतुर्थ के समय ये शासक था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब ऑप्शन बचा है पृथ्वीराज तृतीय। हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय को दिल्ली की गद्दी भी प्राप्त होती है, और जब मोहम्मद गोरी भारत के ऊपर आक्रमण करता है 1191 के अंदर, जब त्रयन का प्रथम युद्ध होता है, तो त्रयन का प्रथम युद्ध देख लीजिए, चाहे त्रयन का द्वितीय युद्ध देख लीजिए, इन दोनों ही समय में दिल्ली और अजमेर दोनों ही जगह पर पृथ्वीराज चौहान का ही अधिकार था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने सपुत्र गोविंद राज, इसका सपुत्र का नाम था गोविंद राज, इस गोविंद राज को इसने दिल्ली का प्रशासक नियुक्त किया था, जो कि इन दोनों युद्धों के अंदर भाग भी लेता है। अगर अपन शासक की बात करेंगे तो सीधा सा अपना इसमें अपन जो आंसर होना चाहिए वो आंसर रहेगा आपका पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज तृतीय भी अपन कह सकते हैं इसको, और पृथ्वीराज चौहान भी इसको कह सकते हैं, बात एक ही है। देखिए दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर ऑप्शन दे रखा है राणा कुंभा की उपाधियों से संबंधित नहीं है। तो हमें मालूम है कि मेवाड़ के शासक जो राणा कुंभा है, ये मेवाड़ के शासक राणा कुंभा एक महान शासक हुए हैं, और राणा कुंभा जो करीब 1433 टू 1468 तक मेवाड़ के शासक रहे हैं, इसी के काल में राजस्थान की स्थापत्य कला और राजस्थान की संस्कृति का सर्वाधिक विकास हुआ। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बात करें या कवि राजा श्यामल दास के अकॉर्डिंग बात करें, तो हमें मालूम है कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माता माना गया है, ये राणा कुंभा को ही माना गया है। इसी प्रकार से राणा कुंभा एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था, कई प्रकार की उसने उपाधियां धारण की थी। इन्हीं उपाधियों में से अगर अपन देखते हैं तो देखिए इसमें चार उपाधियों का नाम दे रखा है, जैसे रितंबरो, रितंबरो उपाधि का संबंध निश्चित रूप से राणा कुंभा से था। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के अंदर निपुण होने के कारण से राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया था, निपुण होने के कारण इसको अभिनव भट्टाचार्य कहा गया था। ऐसे आगे देखो अपन बात करें गणपति, जो गण का मतलब व्यक्ति, व्यक्तियों में श्रेष्ठ होने के कारण से इसको गणपति भी कहा गया था। हिंदू पथ, इसके अगर अपन बात करें तो आप देखो दो उपाध्याय अपन पढ़ते हैं, एक तो हिंदू पथ की बात करते हैं और एक अपन बात करते हैं हिंदू सुल्तान की बात करते हैं। तो माय डियर, हिंदू सुल्तान, हिंदुओं के अंदर सबसे बड़ा अगर बात करें तो यह है राणा कुंभा, और हिंदू पथ दिल्ली पर हिंदुओं का शासन की स्थापना करने का रास्ता दिखाने वाला जो माना गया था, यह माना गया था राणा सांगा को माना गया था। तो ऑब्वियसली इसमें जो अपना आंसर आएगा, यह आंसर आएगा हिंदू पथ। ये उपाधि राणा सांगा से संबंधित है, ना कि राणा कुंभा से। यह आंसर 39 नंबर का हो जाएगा। अब आगे देखिए बिजोलिया शिलालेख का संबंध है अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान और सोमेश्वर। तो हम देखो एक चीज पढ़ते हैं कि जो बिजोलिया शिलालेख जो वर्तमान भीलवाड़ा के अंदर है, इस बिजोलिया शिलालेख की जो रचना करता है ये जैन मुनि लोलाक करता है। जैन मुनि लोलाक ने इसको अर्णोराज के काल में, अर्णोराज थे, इसके काल में इसको उत्कीर्ण करवाया था, और इसी बिजोलिया शिलालेख के अंदर अजमेर और शाकंभरी इन दोनों के ही चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। तो इसमें जो मुख्य जो बात बताई गई है, ये बताई गई है कि अजमेर और शाकंभरी के चौहान ये कौन है, वत्स गोत्र के ब्राह्मण। और इस बिजोलिया शिलालेख की रचना लोलाक ने की थी, और लोलाक का अगर अपन संदर्भ देखते हैं तो ये आता है अर्णोराज के काल में। तो इसमें अपना जो आंसर होगा ये होगा अर्णोराज। ऐसे दोस्तों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में रखा है कि दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था। प्रथम चौहान शासक जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, अगर इसकी बात अगर अपन करते हैं तो हमें एक चीज जाननी आनी चाहिए कि चौहानों का प्रथम प्रतापी शासक जिसने चौहानों के साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार किया, अगर ये अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थी था जिसने तोमरों को हराया और तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाले
चौहानों की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें प्रथम जो शासक आएगा ये विग्रह